नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उनकी इस तरीके से तारीफ करने से गुलाम नबी आजाद के लिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, गुलाम नबी आजाद अक्सर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ देखे गए हैं। उनकी कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई है। आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद ने जब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था तब कांग्रेस पार्टी के आलाकमान पर वो जमकर भड़कते हुए नजर आए थे। तकरीबन 50 साल से ज्यादा का समय गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी में बिताया, लेकिन रिजाइन देते हुए उन्होंने सोनिया गांधी को घेरा, राहुल गांधी को घेरा और तमाम जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी में बड़े उनको भी निशाने पर लेते हुए वो नजर आए। हालांकि गुलाम नबी आजाद जो है भारत जोड़ो यात्रा जब कश्मीर में पहुंची थी तब उन्होंने राहुल गांधी की इस यात्रा का समर्थन किया था, वो इस यात्रा का समर्थन करते हुए नजर आए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी से जब सवाल किया गया कि क्या गुलाम नबी आजाद अब दोबारा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, उस पर वो चुप्पी साधते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद अब पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं, आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी भी कई बार गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हुए देखे गए हैं। संसद में कई बार पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा बयान दिया है जिसके लिए गुलाम नबी आजाद और उनकी दोस्ती की चर्चा होने लगी है। फिलहाल गुलाम नबी आजाद ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ में क्या कुछ कहा है वो आपको बता देते हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मोदी को क्रेडिट देना चाहूंगा, मैंने उनके साथ जो भी किया है लेकिन वो सद्भावपूर्ण रहे हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर CAA, हिजाब विवाद और आर्टिकल 370 जैसे मसलों पर मैंने उन्हें खूब घेरा था, लेकिन पीएम मोदी ने कभी भी बदले की भावना से काम नहीं किया। उन्होंने एक राजनेता जैसा ही बर्ताव हमेशा किया है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के असंतुष्ट G23 नेताओं के भाजपा का मुखौटा होने के आरोपों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये बेहुदा बात है, अगर G23 भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर काम करते तो क्या कांग्रेस उन्हें सांसद बनाती? आखिर उन्हें सांसद, महासचिव और अन्य पदों पर क्यों रखा गया? मैं अकेला ऐसा आदमी हूँ जिसने अलग होकर पार्टी बना ली है, अन्य लोग तो आज भी वही है। इस तरह के आरोप बचकाना है और दुर्भावनापूर्ण से भरे हुए हैं। गुलाम नबी आजाद ने खुद के भाजपा के करीब होने के आरोपों को भी खारिज कर दिया। तो गुलाम नबी आजाद जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वो जल्द ही शामिल हो सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। बहरहाल गुलाम नबी आजाद जो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए बातें कह रहे हैं, उससे आप कितने सहमत हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।